हेलो एवरीवन, आज हम अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का, जो कि है एक्सेलरेशन। तो द आइडिया ऑफ एक्सेलरेशन डेवलप्स व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब आपकी बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो वो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, देन द बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, तो अगर बॉडी की स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है हमारी। तो ये जो एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है, एक्सेलरेशन का जो आइडिया है, वो डेवलप होता है जब आपकी बॉडी की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो, आपकी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। बात करते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर टाइम के साथ आपकी जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आया। जैसे आप सब जानते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आप कहते हैं कि एक्सेलरेट करें, गाड़ी को एक्सेलरेशन दें, उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, या फिर आपकी स्पीड जो है वो घट रही है, तो उस कंडीशन में वो रिटार्डेशन हो रहा है आपका। तो एक्सेलरेशन की हमारी डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है बॉडी की, किस रेट से चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो कितना चेंज हो रही है, तो वो चीज़ हमारी क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी कहलाती है एक्सेलरेशन। तो बात करें, अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रही है, तो अगर आपकी बॉडी अगर इनिशियल वेलोसिटी यू से मूव कर रही है, टी टाइम के बाद, टी टाइम ट्रेवल करने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी वी हो गई, तो जो आपका एक्सेलरेशन जो होगा, बाई डेफिनेशन योर एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। और हम इसको लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होगी? आप सबको वेलोसिटी की यूनिट पता है, मीटर पर सेकंड होती है, तो वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, एंड टाइम की यूनिट क्या हो गई आपकी, सेकंड। तो इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ये निकल के आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस क्वांटिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, यूनिट को हम मीटर पर सेकंड, ये पावर जो है माइनस टू जो लिखते हैं। जैसे कुछ बच्चों का डाउट था कि सर ये माइनस टू कहां से आया, तो ये जो पर सेकंड हमने लिखा है यहां पर, तो इसका मतलब है कि दिस इज पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो वेलोसिटी आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां हम एक्सेलरेशन के कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। सपोज दैट आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, एक बॉडी है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली, तो उस कंडीशन में जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से वी माइनस यू अपॉन टी, वी हमारा ग्रेटर है यू से, तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव निकल कर आएगा। अगर हम बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो ये चीज क्या आएगी, ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, तो जो एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, योर एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ रही है, यानी कि पहले मोशन में थी बॉडी और उसके बाद आपने ब्रेक लगाए, बॉडी की स्पीड कम की और फाइनली वो रेस्ट पे आ रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, और उसकी वेलोसिटी घट रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनल वेलोसिटी,
क्योंकि फाइनली तो वो रेस्ट पे आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दी फाइनल वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से देखें u इज ग्रेटर देन v, ये क्वांटिटी बड़ी है इस क्वांटिटी से, तो ये जो टोटल जो आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज जो निकल के आएगी वो नेगेटिव निकल कर आएगी। तो इस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन होगा, योर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसलरेशन। रिटार्डेशन और डिसलरेशन हम इसे कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कह रहे हैं रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन। अगर तीसरा केस है हमारा कि अगर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जो वेलोसिटी है एक बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस कंडीशन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो गए। भाई ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो वो 10 ही मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपकी सेम हो गई। तीसरे केस में आपकी इनिशियल जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई आपके। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वी माइनस यू अपॉन टी, v और u सेम है, यानी कि ये जो टर्म आएगा वो क्या निकल के आएगा आपका जीरो, क्योंकि v और u सेम है। तो उस कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी जीरो, योर एक्सेलरेशन विल बी जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगली बात है, अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस तरह का एक्सेलरेशन, उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा दैट विल बी अवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहला एक सिंपल सवाल लेते हैं हम एक्सेलरेशन के बेस पे, कि एक बस है जो 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मूव कर रही है और 5 सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो चेंज होके 54 किलोमीटर पर आर हो गई। तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है एक्सेलरेशन को निकालने के लिए कि आप इनिशियल वेलोसिटी का पता करेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और टाइम कितना लग रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूले पर जाए तो फॉर्मूला है हमारा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आर। ये चीज हम बता चुके हैं कि जब भी वेलोसिटी की हम बात करेंगे और यूनिट्स की जब भी हम बात करेंगे तो वो हम एसआई सिस्टम में बात करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट है वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया आपको कि आप सिंपली इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस क्वांटिटी विल बी इन मीटर पर सेकंड। तो यहां पर हम निकालेंगे 36 5/18 10 मीटर पर सेकंड। तो नाउ योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई इन एसआई सिस्टम, फाइनल वेलोसिटी आ गई आपके पास इन एसआई सिस्टम, और टाइम आपको पता है दे रखा है 5 सेकंड जो कि एसआई सिस्टम में है। तो अब आप सिंपल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। v आपको पता है कितना है 15, माइनस u आपका पता है कितना 10 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ योर एक्सेलरेशन बिकम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। अब आप जब भी आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो भी चैप्टर है 9th क्लास में, तो उन सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में आपको एक्सेलरेशन के बारे में जरूर पढ़ेंगे, चाहे अगला चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है या ग्रेविटेशन में हम बात करेंगे या फिर हम वर्क एनर्जी पावर की बात करेंगे, तो वहां पर एक्सेलरेशन किसी ना किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको समझना और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, अब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए
और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद जो बस है वो फाइनली रेस्ट पे आ गई। देन यू हैव टू कैलकुलेट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन की हमने बात की थी और बताया था कि जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो उस कंडीशन में। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 54 किलोमीटर पर आवर। पहला टास्क के इसको एसआई सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 54 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ब्रेक लगाने के बाद फाइनली 5 सेकंड के बाद जो ऑब्जेक्ट है, जो बस है आपकी, वो रुक गई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, जीरो। नाउ योर वी बिकम 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमको पता है, टाइम हमारा है, टाइम हमें दे रखा है 5 सेकंड। तो नाउ वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0 माइनस 15 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा माइनस आ रहा है, इसका मतलब हुआ ये रिटार्डेशन है। दिस इज योर रिटार्डेशन। तो अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस की और इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो ये अब आपका जो चैप्टर का जो बेस बनने का था वो हो चुका। अब जो है जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल हैं वो करने के लिए अब आपके पास आ चुके। जितना पॉसिबल हो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें, उससे क्या होगा कि आपके जो डाउट्स हैं, जो कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट होंगे, वो चीज़ें क्लियर होंगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आप।